सोलो सिकोवा के बाद अब रोमन रेंस का भतीजा जिला फाटू भी करेगा ब्लड लाइन को ज्वाइन। लेकिन कौन है जिला फाटू जो बनने वाला है ब्लड लाइन का नया सदस्य, जानेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले रियलिटी ऑफ रेसलिंग ने ट्विटर पे ये फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, रियलिटी ऑफ रेसलिंग ट्रेनिंग स्कूल के नए मेंबर जिला फाटू तुम्हारा स्वागत है। जहां उन्होंने एक बात और लिखी कि जिला फाटू के पिता उमागा भी रियलिटी ऑफ रेसलिंग का हिस्सा रहे और उनका बेटा अपने सफर की शुरुआत कर रहा है। रियलिटी ऑफ रेसलिंग के इस ट्वीट में उमागा के बेटे को देखने के बाद WWE यूनिवर्स और भी एक्साइटेड हो गया, जहां कई फैंस ने जिला को ब्लड लाइन का अगला मेंबर बताया, क्योंकि रिश्ते में द समोअन बुलडोजर उमागा रोमन रेंस के भाई लगते हैं। मतलब उमागा का बेटा जिला फाटू रोमन का भतीजा है। उमागा ने कई सालों तक WWE में तबाही मचाई, इसी वजह से उन्हें WWE हिस्ट्री का सबसे खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन माना जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश दिसंबर 2009 में हार्ट अटैक के कारण उमागा इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। लेकिन अब उनका बेटा अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत कर चुका है और 22 साल की उम्र में जिला ने ट्रेनिंग लेना भी शुरू कर दिया है। जब द उसोस को जिला फाटू के रेसलिंग स्कूल ज्वाइन करने के बारे में पता चला तो उन्होंने भी इस बात को पक्का किया कि आने वाले समय में उनका ये छोटा भाई भी ब्लड लाइन में शामिल होगा। दरअसल ट्विटर पे रियलिटी ऑफ रेसलिंग की इस ट्वीट का रिप्लाई देते हुए शेल्टन बेंजामिन ने लिखा, बधाई और इस फैमिली बिजनेस में तुम्हारा स्वागत है यंग उस, तुम तबाही मचाने वाले हो। तो इसी के जवाब में उसोस लिखते हैं, ही इज अप नेक्स्ट, यानी कि जिला फाटू ब्लड लाइन का अगला मेंबर होगा। रिश्ते में उसोस और सोलो सिकोवा जिला फाटू के कजन ब्रदर्स हैं, वहीं रोमन रेंस उनके अंकल। लेकिन क्या आप जिला फाटू को ब्लड लाइन में शामिल होते हुए देखना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।